A car travel at a speed of 50 kilometer per hour for 30 minutes, at 30 kilometer per hour for next 15 minutes, and 70 kilometer per hour for next 45 minutes. What is the average speed of the car? एक कार है, फर्स्ट 30 मिनट में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, एंड देन नेक्स्ट 45 मिनट्स अगेन वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है. व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार पूछा है, वो कार का एवरेज स्पीड क्या होगा. सबसे फर्स्ट हम गिवन डेटा लिख लेते हैं. यहाँ पे एक ही कार है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है. फर्स्ट दिया है वेलोसिटी V1 इज 50 किलोमीटर पर आवर. कार 50 किलोमीटर पर आवर 30 मिनट्स के लिए चलता है, इसके लिए हमने T1 लिया 30 मिनट. V2 हमें दिया है 30 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद हमारा कार का स्पीड स्लो हो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 15 मिनट के लिए. देन अगेन कार का स्पीड बढ़ के हो जाता है 70 किलोमीटर पर आवर, और वो स्पीड नेक्स्ट 45 मिनट तक मेंटेन रहता है. यहाँ पे तीन वेलोसिटी दिया है और तीन टाइम दिया है. तीनों टाइम पे कार का स्पीड डिफरेंट डिफरेंट रहता है. तो मुझे एवरेज स्पीड ऑफ कार पूछा है. जो टाइम दिया हुआ है T1, T2, T3, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. मिनट में दिया हुआ है तो उसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर में आ जाएगा. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 आवर. अगेन 15 को हम 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/4, दैट इज 0.25 आवर्स. एंड थर्ड को दैट इज 45 को 60 से डिवाइड करेंगे, ये 15 3 जा जाएगा और ये 15 4 जा जाएगा, 3/4, उसको हम 0.75 आवर्स लिख सकते हैं. तो मेरे पास वेलोसिटी का यूनिट किलोमीटर पर आवर में आ गया और टाइम का भी यूनिट आवर्स में आ गया. अभी हम एवरेज स्पीड फाइंड कर लेते हैं. सॉल्यूशन, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस हम उसको लिख सकते हैं X1 प्लस X2 प्लस X3 डिवाइड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3. अभी यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस दिया हुआ है, हमारे पास एवरेज डिस्टेंस नहीं है, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है. हमें पता है वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमें डिस्टेंस नीड है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम. हमारे पास वेलोसिटी भी है और टाइम भी है, इसी को हम रीअरेंज कर सकते हैं एज पर दिस फॉर्मूला. X1 के लिए V1 T1 वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस X2 के लिए V2 T2 प्लस X3 के लिए V3 T3 डिवाइड बाय टोटल टाइम एज इट इज T1 प्लस T2 प्लस T3. अभी हमारे पास V1 T1 V2 T2 V3 T3 अवेलेबल है और T1 T2 T3 भी अवेलेबल है. हम सबका वैल्यू पुट कर देते हैं. V1 का वैल्यू है 50 एंड T1 का वैल्यू है 0.5, प्लस V2 का वैल्यू है 30 इंटू T2 का वैल्यू है हमारे पास 0.25, प्लस V3 70, T3 0.75 होल डिवाइड बाय T1 0.5, T2 0.25, T3 0.75. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 50 × 0.5 दैट इज 2.5, प्लस 30 × 0.25 दैट इज 7.5, प्लस 70 को जब 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50.5 होल डिवाइड बाय, हम जब इसको ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1.5. अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं. 2.5 प्लस 7.5 प्लस 50.5, हमारा आंसर आएगा 85 डिवाइड बाय 1.5. अब इसको अगेन हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 56.667 किलोमीटर पर आवर. ये हो गया हमारा आंसर एवरेज
स्पीड ऑफ द कार।